केंद्रीय जेल में उस समय अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया जब हत्या के दोष में सजा काट रहे एक कैदी पर दो कैदियों ने ब्लेड से हमला कर दिया। घटना की जानकारी संतरियों के द्वारा जेलर और अन्य अधिकारियों को दी गई तो मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने बीच बचाव किया। गनीमत रही कि समय पर मौके पर मौजूद अन्य कैदियों ने भी बीच बचाव का प्रयास किया, जिसके चलते बड़ी घटना घटित होने से बच गई। मिली जानकारी के अनुसार शफीर उर्फ चच्चा नाम का कैदी इंदौर का रहने वाला है, जो हत्या के आरोप में सजा काट रहा है, जिसे इंदौर से केंद्रीय जेल रीवा शिफ्ट किया गया है। मंगलवार की शाम इंदौर जेल से ही हत्या के दो अन्य दोषी रोशन गुर्जर और खालिक मोहम्मद, जो इन दिनों केंद्रीय जेल रीवा में सजा काट रहे हैं, ब्लेड से हमला कर दिया, जिसके चलते अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया और शाकिर चच्चा नाम का कैदी घायल हो गया, जिसे केंद्रीय जेल में प्राथमिक उपचार कराने के बाद संजय गांधी अस्पताल में लाया गया, जहां से उपचार कराकर छुट्टी दे दी गई है। वहीं जेल प्रबंधक के द्वारा अमहिया पुलिस को सूचना दी गई तो पुलिस दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। बताया जाता है कि शाकिर उर्फ चच्चा के ऊपर हमला करने वाले दोनों कैदी हत्या के आरोप में सजा काट रहे हैं, जिन्हें भी रीवा शिफ्ट किया गया है। हत्या के प्रयास में सजा काट रहे शाकिर उर्फ चच्चा इंदौर का नामी अपराधी है, जिसके खिलाफ अमैया थाने में भी हत्या के प्रयास का मामला दर्ज है। गौरतलब है कि रीवा के शातिर कोरेक्स और असला तस्कर इरशाद के द्वारा शाकिर को सुपारी देकर दो शूटरों को रीवा बुलवाया गया था, जिनके द्वारा जद्दू नाम के अपराधी के ऊपर दिन दहाड़े अमैया में गोली चलाई गई थी। पुलिस ने साइबर और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिससे पूछताछ में जानकारी हुई थी कि हत्या करवाने के पीछे मुख्य मास्टरमाइंड सफीर उर्फ चच्चा था, जिसने इरशाद की मां और पत्नी से 2 लाख की सुपारी लेकर जद्दू की हत्या करवाने के लिए शूटर बुलवाया था। कैदियों के बीच हुई खूनी संघर्ष में सबसे चौंकाने वाला सवाल यह है कि आखिर कैदियों के पास ब्लेड कैसे पहुंची? क्या जेल के अंदर अभी भी ब्लेड, पैसे और नशे का मादक पदार्थ पहुंच रहा है? हालांकि कई बार ऐसी घटनाएं घटित हो चुकी हैं, जिससे जेल प्रबंधक की लापरवाही उजागर हो चुकी है, लेकिन सोमवार को दो खूंखार अपराधियों के बीच हुए खूनी संघर्ष और ब्लेड का उपयोग केंद्रीय जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि उक्त घटना के संबंध में जब जेल अधीक्षक धर्मेंद्र कुमार सारस से संपर्क किया गया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया।